कल का बचा असाइनमेंट आज लिखने बैठा तो कंटिन्यू 3-4 घंटे लिखने के बाद कमर पूरी टूट चुकी थी। क्या करे, बुजुर्गावस्था जो आ गया है। तो फाइनली सारा कंप्लीट करके मैं बेड में अजगर की तरह फैला ही था कि मेरी मम्मी मुझे पपीता लेके दी, और वैसे ही अजगर की तरह पड़े पड़े मैं खाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी उठने की। तो सामने मैं गया छत में क्योंकि मौसम काफ़ी रोमांटिक हो गया था, साथ में यह टूटा घर भी देखना था ऊपर से। हवा इतनी तेज़ थी बट मुझे क्या, मेरी जुल्फे तो है ही नहीं जो उड़े। तभी मम्मी और पड़ोसी आंटी का गहन वार्तालाप इस टूटे घर पर, जिसे देख के मैं सोचने लगा कि ये भी कोई टॉपिक है। तभी मुझे जाना पड़ा मार्केट और पहुंच गया भूतिया एटीएम में। मेरा तो धक धक हो रहा था, जल्दी जल्दी पैसा निकाल के भागा। पैसे तो बहुत है मेरे पास लेकिन अफसोस मेरे नहीं है। तो काम तो एक बहाना था, रोमांटिक मौसम में मुझे गेड़ी जो मारना था। मार्केट से आके फिर से छत जा ही रहा था कि बारिश आ गई और मुझे अंदर भागना पड़ा। और फिर मेरा भाई नारियल पानी लेके आया था बट वो स्टॉल ना भूल गया था, तो मैं ऐसे ही पिया देसी स्टाइल में। अब फेस में ग्लो ही ग्लो आएगा पूरा। आजकल हेल्दी हेल्दी खा पी रहा हूँ क्योंकि फेस से बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं।